प्यारे दोस्तों, जब भी आप पबजी गेम पहली बार खेलते हैं तो आप पबजी गेम पहली बार कैसे खेल सकते हैं, इसके लिए आप किस तरीके, आपके सामने जब लोडिंग हो जाती है तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऊपर आपको रहता है स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपका मैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो है फिर से गेम लोडिंग ले रहा है, तो मुझे थोड़ा इंतज़ार कर लेना। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर जो है अभी आ चुके हैं और आपके सामने यहाँ पे देख रहे होंगे मारपीट बहुत ज़्यादा चालू हो गई है। और ये इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, अभी आपके पास प्लेन आएगी और आप प्लेन में आपका चार लोगों का यहाँ पे देख पाएंगे। जो मेरा मूवीज़ इनका स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी के थ्रू आप जो रेड कलर का ये दिखाई पड़ रहा सिंबल, इसी को जो मैं घुमा रहा हूँ इसी के जो है इसी से मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर क्या डायरेक्शन होती है। चार लोगों का आपका ग्रुप है और यहाँ से आप जो है आप आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये जो मुक्का है आप मुक्का किसी को मार पाएंगे। अब आपके सामने यहाँ पे प्लेन जो है आ गया है और यहाँ पे नक्शा है और यहाँ पे जो है आपकी जो टीम की आवाज़ है आप उसको जो है सुन पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी अपना वैल्यूम जो है कम कर रखा है। और ये जो माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए, जहाँ मैं घुमा रहा हूँ ये मूवीज़ इन वाला स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो माइक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अभी जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब सब लोग यहाँ पे जंप करने वाले हैं, तो अनफॉलो करना है और जंप कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे जब नीचे ऊपर को करेंगे तो ये नीचे को जाएगा और राइट साइड को करेंगे तो राइट साइड, जैसे आप करना चाहेंगे वैसे ये मतलब जाता है। ऊपर नीचे करके आप जो है यहाँ पे चल पाएंगे। और चलिए अभी जैसे नीचे आता है तो यहाँ से आप पैराशूट का इस्तेमाल कर पाएंगे। फ़िलहाल अगर आप पैराशूट नहीं खोलते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए पैराशूट से ये नीचे उतर रहा है और अभी नीचे उतर जाता है, तो उसके बाद जो है और आपके साथी जो हैं आपके साथी भी आपके मैप में जो है मिल जाते हैं। आप मैप जब अपना आप मैप खोलेंगे ऐसे, वो मैप जो है ये इसको ओपन करेंगे ऐसे, चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपके दोस्त जहाँ भी रहेंगे वो आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी आप चार नंबर पे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए हम ज़मीन में आ गए हैं, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे कहीं घर पर, क्योंकि हमारे पास अभी जो है अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से हमें गोली वगैरह मिल जाए, कहीं ऐसी जगह पर चलना है। और इसको ऐसे खींच के ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ये दौड़ता ही रहता है, जैसे यहाँ से ऐसे खींच के ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे तो ये दौड़ता ही रहेगा। और चलिए अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, कहीं देखते हैं मिल जाए तो कुछ, क्योंकि अगर आपको दुश्मन को मारना है तो वो तो गोली से मारेगा और अगर आप कैसे मुक्के का यूज करके तो मार नहीं पाएंगे। तो चलिए घूमने चलते हैं। अभी जब भी आप मारुति पे आते हैं, मारुति के पास आएंगे तो एक दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक ड्राइव करने का और एक गेट इन का। तो आपको यहाँ पे ड्राइव वाले पे क्लिक कर देना होता है अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, और बैठना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होता है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे घर के पास जो है पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम ब्रेक ले लेंगे और यहाँ पे अब आपके सामने यहाँ पे एक एग्जिट का दिखाई पड़ रहा है, एग्जिट कर लेना है मतलब नीचे उतर जाएंगे। अब फिर से हम बैठना चाहते हैं तो ड्राइव पे अगर करना है तो ड्राइव, और गेट इन पे अगर मतलब मान लीजिए बैठना है, कोई आपका दोस्त चला रहा है तो आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं, घर में घुसते हैं और देखते हैं कुछ मिल जाए बंदूक वगैरह हमको। यहाँ पर ओपन कर लिया और देखिए यहाँ पे ये मिल गई बंदूक, ये है, इसके पास जाएंगे और ये उठा लेगा। ये देखिए ये बम भी उठा लेगा, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे उठा लेना है। अब यहाँ पे आए अगर जो भी चीज़ें हम चाहेंगे वो यहाँ पे उठा लेगा। अब देखिए हमको बंदूक मिल गई है, अब हम चलेंगे बाहर देखते हैं कोई शिकार। अब यहाँ पर आपको शिकार ढूँढना है और उसे मारना है।
तो गाइज़ उम्मीद करूंगा कि आप सब कुछ यहाँ पे समझ गए होंगे। नक्शे में जाके आप अपने लोगों को ढूंढ पाएंगे और आपका यहाँ पे जो मैसेज आता रहता है 3 मीटर अभी हमसे दूर है। और ये देखिए वार्निंग हास्ट आ गया, मतलब मुझे यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। तो मुझे अब यहाँ पे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है क्योंकि दुश्मन जो है किधर से भी आ सकता है। तो हमें कहीं जो है साइड में हो जाना है। और यहाँ पे और भी बंदूक वगैरह मिल गई। तो बस गाइज आपको यही करना होता है। ये देखिए एक दुश्मन यहाँ से आ रहा है, यहाँ गाड़ी के पास से। देखिए ये आ गया है, अब इसे हमें मारना है। देखिए हमें मार भी रहा है। हमने इसको देखिए मार के गिरा दिया, 1 किल आ गया। अब आपको इस बॉक्स के पास जाना होता है और यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, इसको ओपन कर देना होता है। और ये सारी चीज़ें जो इसकी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये ले लेता है। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी गन्स भी मिल गई हैं। अब अगर आप ये वाली गन्स चाहते हैं तो ये वाली लीजिए, वरना ये लीजिए या रिवॉल्वर लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको आपके पास गाइस मैं आपको बता दूं कि एनर्जी और पेन किलर वगैरह भी आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे जो आप देख पाएंगे रेड कलर की जहाँ मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे एक पेन किलर भी हमारे पास है अभी यहाँ पे। देखिए इस पेन किलर को यूज करना है तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूज वाला ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यूज कर लेना है। अब देखिए ये पेन किलर जो है अभी ये यूज कर रहा है। ये देखिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 सेकेंड का। और जब पेन किलर यूज कर लेगा तो इसकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब देखिए हमारे पास फिर से मैसेज आ गया कि हमारा जो दुश्मन है कहीं वो आसपास ही है, तो हमें उनको खोजना है और मारना है। और गाइज इसमें अगर हम बात करें पबजी खेलने के लिए, तो पबजी में गाइज आपको इंटरनेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आप पबजी जो है अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जब भी दिखाता रहता है कि आपका जो दुश्मन है वो 3 मीटर पे है या कहाँ पे है, तो आप खोज के आप जो है आपको अपने दुश्मनों को मारना होता है। और जो आपके साथ उतरे थे आपको यहाँ पे नक्शे पे क्लिक कर देना है और उन्हें खोजना है कि वो कहाँ पे हैं अभी, तो आप नक्शे पे क्लिक करके खोज पाएंगे उन्हें। तो आपको यहाँ पे नक्शे पे क्लिक करना है। नक्शे पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नंबर जो है अभी यहाँ पे है, दो एक नंबर यहाँ पे है और बाकी 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो शायद मर चुके हैं या ऐसा ही कुछ है। तो नक्शे पे क्लिक करके आप जो है नक्शा भी देख पाते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइस कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा आप करना क्या है। आपको जगह जगह पे जाना है, ढूंढना है, मारना है, बस यही काम है। और जब भी गाड़ी वगैरह भी आपको चलाना है तो गेट इन, जब गाड़ी के पास आप जाएंगे तो गेट इन वगैरह करके भी आप गाड़ी चला पाएंगे। अब चलिए मैं एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप पानी में जाएंगे तो आपको कैसे जो है करना है। यहाँ पे चलिए सामने दिखाई पड़ रहा है, शायद पानी ही है नदी में। अभी यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि कोई है भी। अब देखिए आप पानी में यहाँ पे आ गए हैं, तो आपको तैरने के लिए यहाँ पे अप करना है और यहाँ पे डाउन करना है और इसी से आप तैर भी पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है, ये देखिए तैर रहा है, और डाउन कर देना है तो ये नीचे जाके तैरने लगेगा, और अप कर देना है तो ये ऊपर आके तैरेगा ऐसे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आप यहाँ पर जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं गाइज, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।